हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AMS नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी या फिर ECT। ECT को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इटालियन साइकेट्रिस्ट यूगो कार्लेट एंड लूसियो बिनी इन अप्रैल 1938। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं ECT का। आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ अ ग्रैंड मल सीजर, टॉनिक फेज 10 to 15 सेकेंड, क्लॉनिक फेज 30 to 60 seconds, through the application of electric current to the brain, the stimulus is applied through electrodes which are placed either bilaterally in frontotemporal region or placed unilaterally on the non-dominant side. तो ये था पहला डेफिनेशन जिसमें बोला जा रहा है कि हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं ग्रैंड मल सीजर, जिसमें टॉनिक फेज 10 to 15 seconds का होता है, क्लॉनिक फेज 30 to 60 seconds होता है, through the application of electric current to the brain. और ये जो स्टिमुलस है वो अप्लाइड होता है थ्रू इलेक्ट्रोड्स के द्वारा हम करंट पास करते हैं, जो कि बायलेटरली या फिर यूनिलेटरली प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, ECT इज़ अ फिजिकल और सोमैटिक थेरेपी इन विच विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स करंट इज पास थ्रू टेम्पोरल रीजन इन बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन टू प्रोड्यूस अ ग्रैंड मल टाइप्स ऑफ सीजर। सो ECT एक फिजिकल या सोमैटिक थेरेपी है जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स की मदद से करंट पास करते हैं इन बिटवीन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, ताकि ग्रैंड मल सीजर प्रोड्यूस हो सके। तो ये था ECT के डेफिनेशन, दो डेफिनेशन देखा हमने। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ECT में हम करंट पास करते हैं कितने वोल्ट, 70 to 120 volt करंट पास करते हैं, ये एक यूजुअल अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं ECT में, और ड्यूरेशन इसका रहता है 0.7 to 1.5 seconds के लिए। हम ड्यूरेशन 1.7 से 1.5 सेकेंड तक करंट पास करते हैं, और कितना वोल्ट रहता है उस करंट का, 70 to 120। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशंस ऑफ ECT। तो पहला है मेजर डिप्रेशन विथ और विदाउट साइकोटिक फीचर, दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिक और डिप्रेसिव फेस है अगर, तीसरा है अक्यूट और कैटोनिक स्किजोफ्रेनिया, और कुछ स्टडीज़ शो किया है कि OCD डेलिरियम क्रॉनिक पेन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव माना गया है ECT। तो ये थे इंडिकेशन, मेजर डिप्रेशन विथ और विदाउट साइकोटिक फीचर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, अक्यूट और कैटोनिक शिजोफ्रेनिया, एंड ऑल्सो ट्रीटिंग OCD डेलिरियम क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स और इंट्रैक्टेबल सीजर डिसऑर्डर्स। सो दिस वॉज अबाउट इंडिकेशंस। नाउ वी विल सी वॉट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ECT। इसको दो में डिवाइडेड है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में आता है इंक्रीज्ड ICP, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में इसे कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। दूसरा है रिलेटिवली क्या क्या होते हैं, पहला है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म, एरिथमियास। सेकेंड है सेरेब्रोवैस्कुलर इफेक्ट्स, रीसेंट स्ट्रोक्स, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीशन, एन्यूरिज्म। एंड तीसरा है सीवियर पल्मोनरी डिजीज, TB, निमोनिया, एस्थमा। तो ये है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर ECT। तो हमने देखा एब्सोल्यूट जिसमें इंक्रीज्ड ICP था, और सेकंड रिलेटिव देखा जिसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, सेरेब्रोवैस्कुलर इफेक्ट्स और सीवियर पर्मनेंट डिजीजेस थे। नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ ECT। तो दो टाइप्स है, डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड। डायरेक्ट ECT अब उतना यूज़ नहीं किया जाता है। इस ECT में क्या होता है कि इट इज़ गिवन इन द एब्सेंस ऑफ एनेस्थीशिया एंड मसल रिलैक्सेशन, इसलिए इसका यूज़ अभी बहुत कम कर दिया गया है। इसमें एनेस्थीशिया भी नहीं दिया जाता, ना ही मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट ECT। दूसरा है मॉडिफाइड ECT, जिसमें हम एनेस्थेटिक इंजेक्शंस देते हैं और साथ ही साथ मसल रिलैक्सेंट्स टू अवॉइड मसल कॉन्ट्रैक्शन विच कैन लीड टू ब्रोकन बोन्स। तो ये थे दो टाइप, डायरेक्ट ECT एंड सेकेंड वॉज मॉडिफाइड ECT। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट्स इन ECT। तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट दो टाइप के हैं, बायलेटरल और यूनिलेटरल। बायलेटरल मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इफेक्टिव भी है। इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस करते हैं इसमें 2.5 to 4 centimeters ऑन द मिड पॉइंट ऑन अ लाइन जॉइनिंग द ट्रैगस ऑफ द ईयर एंड द लेटरल कैंथस ऑफ द आई। ये है बायलेटरल प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। ये लेस कॉग्निटिव इफेक्ट रहता है इसमें, और क्लिनिकली इसको लेस इफेक्टिव भी माना जाता है। इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस करते हैं ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द हेड, यूजुअली नॉन डोमिनेंट साइड। तो ये था यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट।
नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्स ऑफ ईसीटी। तो ईसीटी यूजुअली 3 times a week दिया जाता है, रिड्यूस टू 2 times a week और 1 times a week वंस द सिम्टम्स बिगिन टू रिस्पॉन्ड। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट का तो उसे धीरे धीरे कम जाता है दिया जाता है। मतलब पहले हम 3 times a week से चालू करते हैं, फिर 2 बार करते हैं और 1 बार करते हैं, और जैसे ही उसका सिम्टम्स को रिस्पॉन्ड करता है हम धीरे धीरे उसको कम कर देते हैं। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए इसे 6 से 12 बार दिया जाता है। साइकोसिस एंड मेनिया अप टू 20 times और कैटाटोनिया 3 से 5 ट्रीटमेंट में इसे सॉल्व हो जाता है। तो ये था कोर्स ऑफ ईसीटी यूजुअली 3 times a week रिड्यूस टू 2 times or 1 times a week वंस द सिम्टम्स बिगिन टू रिस्पॉन्ड। डिप्रेशन के लिए हम 6 से 12 बार देते हैं इसको, साइकोसिस मेनिया के लिए 20, कैटाटोनिक के लिए 3 to 5 में इनफ हो जाता है, रिसॉल्व हो जाता है। नाउ हम देखते हैं मेडिकेशंस यूज्ड इन ईसीटी, कौन से मेडिसिन यूज किए जाते हैं ईसीटी में। तो इंजेक्शन एट्रोपिन 0.6 to 1 mg, इंजेक्शन सक्सिनाइल कोलाइन 1 mg पर kg, इंजेक्शन सोडियम थायोपेंटोल 3 to 5 mg पर kg। इंजेक्शन एट्रोपिन हम सिक्रीशंस कंट्रोल करने के लिए देते हैं, सक्सिनाइल कोलाइन जो है वो मसल रिलैक्सेंट है, और एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में हम इंजेक्शन सोडियम थायोपेंटोल का यूज़ करते हैं। तो ये थे मेडिसिन यूज्ड इन ईसीटी। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो कि डिवाइडेड है वेटिंग रूम, ईसीटी रूम और रिकवरी रूम में। 3 जगह हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वेटिंग रूम, ईसीटी रूम एंड रिकवरी रूम। आर्टिकल्स हमको क्या चाहिए रहेगा प्रोसीजर्स के लिए, आर्टिकल्स फॉर एनेस्थीशिया, सक्शन अपैरेटिस, फेस मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, टंग डिप्रेसर, माउथ गैग, रिससिटेशन अपैरेटिस, फुल सेट ऑफ एमरजेंसी ड्रग, ईसीटी ड्रग्स एंड डिफिब्रिलेटर्स। तो ये थे आर्टिकल्स नीडेड फॉर ईसीटी। प्रोसीजर हमारा क्या होगा, 10 to 15 minutes का प्रोसीजर रहेगा। IV कैथेटर इंड्यूस करने हमको ऑक्सीजन मास्क देना है, इलेक्ट्रोड्स प्लेस किया जाएगा यूनिलैटरल या बायलैटरल, एनेस्थेटिक एजेंट इंसर्ट किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद मसल रिलैक्सेंट भी इंजेक्ट किया जाएगा। BP कफ प्लेस अराउंड द फोरआर्म, इलेक्ट्रिक करंट इज सेंट थ्रू इलेक्ट्रोड्स टू द ब्रेन, सीजर अकर होगा लास्ट 30 to 60 seconds एंड फ्यू मिनट लेटर एनेस्थेटिक एंड मसल रिलैक्सेंट वेयर ऑफ हो जाएंगे। तो ये था प्रोसीजर। नाउ फाइनली वी विल मूव टू रोल ऑफ नर्स, जो कि डिवाइडेड है प्री ईसीटी केयर, इंट्रा प्रोसीजर केयर एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर में। तो पहले अपन देखते हैं प्री ईसीटी केयर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाएगा, फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे रिस्क और बेनिफिट्स ऑफ प्रोसीजर एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम पेशेंट और रिलेटिव्स, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको हमको क्लियर करना है, आंसर करना है उनके क्वेश्चंस को। उसके बाद रिड्यूस करना है उनके पेशेंट एंजाइटी को और हेल्प करना है गुड IPR मेंटेन करने के लिए। ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट के रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को नील बाय माउथ या फिर एम्प्टी स्टमक रखेंगे 6 to 8 hours बिफोर ECT, डिस्करेज स्मोकिंग जस्ट बिफोर ECT, रिमूव आर्टिफिशियल डेंचर्स, आर्टिकल्स, ज्वेलरीज, वाइटल साइन चेक करेंगे, एंश्योर करेंगे इमरजेंसी आर्टिकल्स एक्सेसिबल है कि नहीं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे टू द ECT रूम विथ नेसेसरी रिकॉर्ड्स। तो ये था प्री ECT केयर। नेक्स्ट ECT रूम में क्या करना है हमको, चेक पेशेंट इज NPO या फिर नील बाय माउथ and has emptied their bowels and bladder prior to coming to treatment room. Next है patient check करेंगे क्योंकि restrictive clothing तो नहीं पहना है या फिर ज्वेलरी और dentures have been removed. Consult करेंगे ECT record of previous treatment, ensure consent form signed properly or not. Check no medication should be given that might increase or reduce seizure threshold. ECT machine जो है functioning है कि नहीं check करेंगे। ड्यूरिंग ECT रीअश्योरेंस और सपोर्ट दिया जाएगा, प्लेस करेंगे पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में, नेसेसरी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, माउथ गैग लगाएंगे, अप्लाई करेंगे अपवर्ड प्रेशर टू मैंडिबल्स, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, क्लीन करेंगे स्कैल्प विद नॉर्मल सलाइन, प्रिवेंट करेंगे फॉल, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, रिमूव द माउथ गैग आफ्टर सीजर अकर्ड और सक करेंगे ओरल सिक्रीशंस एंड अप्लाई करेंगे ऑक्सीजन मास्क। पोस्ट ECT केयर क्या रहेगा, शिफ्ट करेंगे क्लाइंट को प्रोसीजर रूम में, पोस्ट प्रोसीजर रूम में शिफ्ट करेंगे क्लाइंट को, वाइटल्स चेक करेंगे एवरी 15 मिनट्स, ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे अगर पेशेंट अग्रेसिव है, वॉलेटेड है या कंफ्यूज्ड है, अगर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी कंटिन्यू है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, प्रोवाइड साइड रेल्स टू प्रिवेंट फॉल, देन बी विद द पेशेंट, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, रीओरिएंट करेंगे क्लाइंट को आफ्टर रिकवरी।
तो ये था नर्सेस रोल प्री ई सी टी रूम में, ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड पोस्ट ई सी टी केयर रोल ऑफ नर्स था। अब लास्टली हम देखते हैं रिस्क और साइड इफेक्ट्स क्या है ई सी टी के। तो पहला पॉइंट है इसमें इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन, जिसमें क्या होगा, पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन रहेगा इमिजिएटली आफ्टर ई सी टी, और उसे पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ है और क्यों है। और ये जो कन्फ्यूजन रहता है वो कुछ समय के लिए रहता है, ये कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। तो ये पहला पॉइंट है हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन। सेकेंड है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस में वो भूल सकता है कुछ हफ्ते या महीनों बिफोर ट्रीटमेंट का, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या फिर ट्रीटमेंट जब बंद कर दिया, कुछ समय के लिए वो कुछ चीज़ें भूल सकता है। ये यूजुअली कुछ दिनों होने के बाद ये वापस, उसका जो लॉस है मेमोरी लॉस, वो वापस ठीक हो जाता है। तो ये था सेकंड पॉइंट हमारा मेमोरी लॉस। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है या स्मॉल रिस्क ऑफ डेथ, बहुत ही रेयर है रिस्क ऑफ डेथ। और लास्टली है फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मसल एक, जॉब पेन, ये है फिजिकल सिम्टम्स। तो ये थे रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स। पहला था इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन, सेकेंड मेमोरी लॉस, थर्ड मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, और लास्ट था फिजिकल सिम्टम्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। हमने इंट्रोड्यूस किया, फिर डेफिनेशंस देखा, टाइप्स देखा, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट्स देखे, कोर्स ऑफ ई सी टी, प्रोसीजर ऑफ ई सी टी, आर्टिकल नीडेड फॉर ई सी टी, देन ट्रीटमेंट फैसिलिटी तीन में था। उसके बाद हमने रोल ऑफ नर्स देखा और फाइनली साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क देखा। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, अगर हाँ तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो के अपलोड के बाद आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।